मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कूलाम्स लॉ में हम लोगों ने लास्ट टर्म पे कूलाम्स लॉ बेसिकली क्या है, वो फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। कूलाम्स लॉ में इट गिव्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, और ये जो फोर्स होता है ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। जबकि ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि फोर्स डिपेंड करता है मासेस के प्रोडक्ट्स पे और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है, ठीक। और उसका पूरा फॉर्मूला बन जाता था कैपिटल जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, जिसमें कैपिटल जी का नाम क्या होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी इट इज कांस्टेंट यूनिवर्सली। उसके लिए फिर अलग अलग जगहों के लिए कि अर्थ और सन के बीच का या किसी और मीडियम में, तो कैपिटल जी हर एक के लिए क्या था, सेम। तो वो फॉर्मूला हमारे लिए कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, वो याद रखते हैं आराम से। प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था कि हमेशा वो अट्रैक्टिव रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव से दोनों हो सकता है, क्योंकि चार्ज प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, और प्लस माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कूलाम्स लॉ का अब तक जो एक्सप्रेशन पढ़ा है उसमें देखा कि जो फोर्स है दैट इज फॉर टू पॉइंट चार्जेस, दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू, और इनके बीच में अगर ये प्लस माइनस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये प्लस प्लस है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, या माइनस माइनस है तो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन है। लेकिन जो भी फोर्स है आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो हमेशा कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच चार्ज या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ईच चार्ज, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसका एक्सप्रेशन बच्चों ने लिखा था के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या देखो यहाँ पे दो के आते हैं, एक स्मॉल के और एक कैपिटल के। आज हम लोग उस कैपिटल के बारे में थोड़ा और डिटेल बात करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। ये स्मॉल के क्या है बच्चों, ये स्मॉल के है मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, ठीक है। स्मॉल के की वैल्यू एयर के लिए क्या थी, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, फॉर एनी अदर मीडियम ये के बन जाता है 9×10⁹ अपॉन कैपिटल के, जहां पे कैपिटल के का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और कैपिटल के की वैल्यू अगर इसको इसको कंपेयर करो तो कैपिटल के की वैल्यू हवा के लिए क्या लिखी हुई है, एयर के लिए क्या लिखी हुई है, 1। देखो अगर एयर है, फॉर एयर या वैक्यूम, व्हाट इज स्मॉल के, इट इज 9×10⁹, तो यहाँ जो अपॉन में कैपिटल के होना चाहिए यहाँ पे नहीं है, नहीं का मतलब क्या हुआ, 0 की 1, 1। तो कैपिटल के फॉर एयर वैक्यूम क्या होता है, कैपिटल के यानी डायरेक्टर कांस्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो जैसे जैसे मीडियम बदलेगा बच्चों, स्मॉल के वैल्यू क्या होगी, स्मॉल के वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे जैसे मीडियम बदलोगे कैपिटल क्या होगा, बदलेगा, कैपिटल के अलग है तो स्मॉल के भी अलग अलग होता जाएगा। एयर के लिए पर्टिकुलर आपको याद रखना है 9×10⁹, इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा अब अगर हम तुमसे ऐसा बोल दें, देखो जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन रिकैप से जरूरी है, कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा। एफ इन अ गिवन मीडियम क्या लिखा तुमने, हमने लिखा के अपॉन कैपिटल के इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ इन एयर तुमने क्या लिखा, तुमने सिर्फ स्मॉल के लिखा क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। इन दोनों का अगर हम रेशियो कर दें बच्चों तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फोर्स इन अ गिवन मीडियम अपॉन फोर्स व्हेन द एयर मीडियम इज एयर, तो रिजल्ट क्या बनेगा बोलो, जब रेशियो करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन इधर से पूरा एक्सप्रेशन इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/K, सही। तो अगर हम लिख दें एफ फोर्स इन एनी मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, तो ये उधर क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर अपॉन कैपिटल के, ठीक। ये बन जाएगा कि नहीं बोलो, क्योंकि आज हमको इससे थोड़ा डील करना है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर ले। क्या समझे, क्या क्या समझे, कैपिटल के का नाम क्या है,
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपिटल के की वैल्यू मिनिमम होती है वन और वो मिनिमम वैल्यू है एयर या वैक्यूम के लिए। ठीक, इस वजह से एयर या वैक्यूम के लिए स्मॉल के की वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल के की वैल्यू एयर या वैक्यूम हो जाती है 9 to the power 9। ठीक है, अगर कोई और मीडियम है, कोई और मीडियम है अदर देन एयर, तो क्या कैपिटल के की वैल्यू 1 होगी? कोई और मीडियम है तो क्या कैपिटल के की वैल्यू 1 होगी? नहीं, एयर और वैक्यूम के लिए ही 1 होती है, किसी और के लिए 1 होगी? नहीं होगी। किसके लिए 1 होती है? एयर और वैक्यूम के लिए। क्या लिक्विड के लिए, किसी और चीज के लिए क्या 1 होगी? नहीं सर, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होती है। तो इसका मतलब क्या समझे, कोई और मीडियम जैसे है कहीं भी, तो के फॉर any other medium, समझना बात को, other than air is always greater than 1। ये याद रखना, ठीक है। कैपिटल के कौन, डाइलेक्ट्रिक, कैपिटल के एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, ओके, सब ट्रू फॉल्स बताना जरा। व्हेनेवर We change the medium from air to any other medium between two charges, force between them always decreases. True, false? अगर हम दो charges के बीच का medium हवा की जगह कुछ और कर दें, हवा की जगह air, vacuum की जगह कुछ और कर दें, तो फोर्स उनके बीच में हमेशा कम हो जाएगा। इट ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज कह रहा, ऑलवेज डिक्रीजेस। ट्रू फॉल्स? क्यों ट्रू, क्यों? क्योंकि अगर कोई और मीडियम है तो कैपिटल के की वैल्यू जाहिर सी बात है 1 से क्या होगी, ज्यादा, और 1 से ज्यादा है तो फोर्स इन दैट मीडियम क्या होगा, कम हो जाएगा। बोलो सही है। ठीक, अगला स्टेटमेंट सुनो। फोर्स बिटवीन, अब ये दो चीज को रीड हुई तो तुम्हारे दिमाग में याद रहेगी, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज मैक्सिमम ओनली व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज एयर और वैक्यूम। ट्रू की फॉल्स? समझ गए, दो चीज को रीड हो गई कि अगर एयर वैक्यूम है तभी फोर्स मैक्सिमम होगा, जैसे ही आपने मीडियम बदला फोर्स विल ऑब्वियसली डिक्रीज। क्लियर हुआ? ठीक, ओके, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी कुछ सीखने को मिलता है इससे। तो जिनके पास ये नहीं लिखा है वो नोट कर ले थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट में लिख लो इसको और फिर आगे हम टॉपिक से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिनका ये आज पहला क्लास है बच्चों, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ एक ऐसा चैप्टर है, तुम किसी भी दिन आओगे इसमें, किसी भी दिन अगर पढ़ना शुरू करोगे यू विल कनेक्ट टू इट, बड़े आराम से कनेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फॉर्मूला एक ही चल रहा है बच्चों, के q1 q2 / r स्क्वायर। यू हैव टू नो अबाउट के, के में जुड़े लोग कौन कौन है, कैपिटल के की बातें, जैसे यहाँ लिखा ना ग्रेटर देन 1, इसके एग्जाम्पल तौर पर तुम्हें लिखा भी रखा है, फिर भी उत्पाद है कि अगर कैपिटल के एयर के लिए है या वैक्यूम तो 1, पानी के लिए वाटर के लिए क्या थी बच्चों वैल्यू 81, और कोई भी मेटल अगर है तो उसके वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कोई भी मेटल हो, चाहे मर्क्यूरी हो चाहे कोई मेटल हो, उसके वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ टू आइडेंटिकल
metal balls are suspended from two identical strings at a common point. If the balls are given, equal charge, small q each, find the angle made by the string with the vertical at equilibrium condition. Take mass of the balls, small m, and acceleration due to gravity, small g. यानी आपको इन सब के टर्म्स में आंसर करना है. Angle made by the string with the vertical. तो फिर से इसमें थोड़ी सी मैकेनिक्स की बात आनी वो तो हमेशा ही आती है. उसका रीजन तो मालूम है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स. और फोर्स एक वेक्टर है, उसका बिहेवियर वेक्टर जैसे ही रहना तो चेंज हो नहीं जाएगा. प्लस जब m की बात आ रही है, g की बात आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि एम जी भी कंसिडर करना है. और सस्पेंडेड बॉडीज अगर है, कोई भी बॉल हो, बॉडी हो, ब्लॉक हो, एनीथिंग इज सस्पेंडेड अंडर ग्रेविटी, तो एम जी नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? एम जी तो ऑब्वियसली नीचे लगता है ना, इसमें सोचना क्या है. एम जी नीचे लगता है तो उससे ऐसे टेंशन रहती है. ठीक. अब यहाँ पे ऐसे नॉर्मली सस्पेंडेड नहीं है, दो बॉल है, एक कॉमन पॉइंट पे टांग दी गई आइडेंटिकल स्ट्रिंग से. कोई चार्ज ना हो तो दोनों बॉल ऐसे चिपकी रहती और वहां से कनेक्टेड रहती, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जैसे दोनों पे चार्ज दिया क्यू, यानी कि क्यू को तुम क्या मानोगे, प्लस क्यू की माइनस क्यू? प्लस क्यू. कुछ भी ना कहा जाए दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव स्पेसिफाई किया जाता है. ठीक है, प्लस क्यू दिया तो वापस रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. रिपेल करने से धागा तो वही बना हुआ, तो रिपेल करके दूर जाएंगे. दूर जाने के बाद हमें एक ट्रायंगुलर शेप सा दिखने लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाएंगे. तो सवाल आता है क्यों रुक गए? तो तुम्हें मालूम है अगर कोई चीज स्टैटिक हो गई है या थोड़ी देर चली फिर रुक गई है, तो तभी रुकी होगी जब वहां पे जो फोर्स लग रहे हैं सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें. या इन शॉर्ट बोल सकते हैं द नेट फोर्स बिकम जीरो. यानी कि कौन सी कंडीशन अचीव हो गई? इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गई. ये तो कहते हैं ना, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम तो बात कर रहे हैं. पहले वीडियोस में देखना इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करे हम लोगों ने. ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यहाँ पे एम जी भी इन्वॉल्व हो गया. ठीक, तो देखो बच्चों इसका सोल्यूशन समझो, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है. अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी 12th की बुक से लेकर के कॉम्पिटिशंस तक आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आ भी सकते हैं, ऐसा भी एक्सपेक्टेड है. ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे हैं जब रिपेल कर चुके हैं. पहले तो चार स्थान तो चिपके हुए, तो डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है. अभी रिपेल करके दूर हो गए, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं. तो अचीव कर चुके हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हैं कि नेट फोर्स इज जीरो. यानी एक्स एक्सिस के फोर्स को एक्स एक्सिस के फोर्स ने कैंसिल किया, वाई वाले फोर्स को वाई ने कैंसिल किया होगा. ठीक है ना, अब हम एक बॉल का इक्विलिब्रियम देख लें, जो एक बॉल का इक्विलिब्रियम होगा वही दूसरी बॉल का भी होगा. ठीक, तो पहला सवाल तुमसे, तुम खुद सोच सकते हो कि वाई दे आर रिपेलिंग? सर बिकॉज दे आर हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. इसका सिंबल दे दिया हमने FE. क्या दे दिया? FE, करेक्ट. Why they are not moving upward? Because इनका वेट लग रहा है नीचे, कितना? mg, सही है? Yes. अब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स है.
एमजी बच्चों ये भी फोर्स होता है या स्केलर होता है, क्या एमजी? फोर्स एमजी, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, अब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, दोनों फोर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहां से जा रहा होगा, बोलो सही है? जब रिजल्टेंट यहां से जा रहा होगा तो स्ट्रिंग को ऐसा लगेगा, स्ट्रिंग को भी लगता है, सोचो स्ट्रिंग को भी लगेगा कि कोई मुझे इधर खींच रहा है ना, जैसे इसको अगर हम इधर खींचे इधर, तो इसमें टेंशन आएगी इनवर्ड, बाहर तो इनवर्ड, ऐसे खींचा तो अपवर्ड, ऐसे खींचा तिरछा तिरछा तो टेंशन अपोजिट में जाएगी, हमेशा उस पुल के क्या जाती है, अपोजिट जाती है। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर आ रहा है तो इसमें टेंशन डेवलप हो गई टी। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्प्रिंग का वर्टिकल से एंगल, करेक्ट? तो देखो आराम से समझते हैं, बहुत ही इत्मीनान से समझ आ जाएगा। ये दो पैरेलल लाइन है, ये थीटा है, तो बच्चों ये भी कौन है, थीटा। ठीक बात, टेंशन का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा बच्चों, टी साइन थीटा या टी कॉस थीटा? टी कॉस थीटा, एंगल होता उधर बनता है कॉस कंपोनेंट, करेक्ट? साइन थीटा किधर बनेगा, एफई के अलोंग के एफई के अपोजिट, टी साइन थीटा एफई के अलोंग के एफई के अपोजिट, एफई टी साइन थीटा, करेक्ट? अब ये बॉल ना आगे जा रही ना पीछे आ रही, रुकी हुई है, रुकी क्यों है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो गया, तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिखो बच्चों, टी साइन थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स ने हॉरिजॉन्टल को बैलेंस किया, सही है, वर्टिकल फोर्स ने टी कॉस थीटा ने वर्टिकल को बैलेंस किया, ये तो हुआ, बोलो बच्चों, हाँ, रेशियो करा टीओटी कट जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 कर दो ना, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड बाय सेकंड कर दो, टीओटी कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या आएगा बोलो, टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, एफई अपॉन एमजी, तुम यहां तक भी छोड़ सकते हो और आगे लिखना चाहो क्यों, कि यहां से यहां का डिस्टेंस है एक्स, सपोज कर लेते हैं लेट इट बी एक्स या आर जो भी, तो एफई का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है कि क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर लिख दिया एक्स और नीचे क्या लिखा होता है एमजी, तो हमारा एंगल आ गया टेन थीटा, क्या है बोलो, टेन थीटा आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन एमजी एक्स स्क्वायर। ठीक बात, दिस इज द एंगल मेड बाय ईच स्प्रिंग विद द वर्टिकल। ठीक है, इसको करते हैं सेकंड पार्ट, बड़ा कमल जी पाइप ऑफ कर लो,
लीजिए सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इफ द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एल कैपिटल एल फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल and tension the string when the system is taken in a gravity free region. If the length of each string is L, capital, find the angle with the vertical and tension in the string when the system is taken in a gravity-free region. ठीक है, important अच्छा question है. Second part try करो थोड़ा. Take 1 minute. एक मिनट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इसमें. ठीक 2 मिनट्स हो गए 2.5 मिनट्स समझो बच्चों जब आप इनको ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जा रहे हो ठीक समझना थोड़ा सा थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ानी थी इसलिए तुम लाइट जा रहे हो आई बोर्ड के दिन मत देख रहे हो ये दो बॉल हैं ये ऐसे रिपेल कर रही थी ये दो बॉल हैं यहां पर ये रिपेल कर रही थी ऐसे रुक गई थी एंगल निकल आया था अब ग्रेविटी फ्री ग्रेविटी है ही नहीं ग्रेविटी जब है ही नहीं तो नीचे तो कोई खींच रहा है क्या नहीं तो क्या हो गया दूर जाएंगी दूर चलती चली जाएंगी ये वापस आएंगी क्या नहीं क्योंकि एमजी लगी नहीं रहा है तो ऐसे करते 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 ऐसे हो जाएंगे
क्या ऊपर जाएंगी? नहीं, ऊपर क्यों जाएंगी, यहाँ पे आगे खींच गई। तो जब ऐसे खींच जाएंगी इस तरह से, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये नीचे क्यों नहीं आ रही? अरे यार mg कहाँ है यहाँ पर, पहले क्यों ऐसे रुके नहीं? क्योंकि mg नीचे खींचे हुआ था, mg है ही नहीं, g नहीं है तो mg नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ऐसे ऊपर चली गई। अब ऐसे चली गई तो क्या दिखेगा तुमको? तुमको इन दोनों चार्जेस का एक लीनियर फॉर्म दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरह से, ऐसा देखिए, इधर क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ऐसे अगर खींचा बाहर लग रहा है बच्चों, तो ये क्या लगेगा एज अ रिएक्शन, क्या लगेगा टेंशन की। और हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल पूछा गया था, फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल। तो ये देखो वर्टिकल से हर एक्सिस में कितने बनाया हुआ है, 90 डिग्री। वर्टिकल से कितना बनाया है, 90। इसने भी कितना बनाया है, 90। तो अगर तुमसे पूछ लेता इनका एंगल विद ईच अदर, इन दोनों स्ट्रिंग्स का एंगल विद ईच अदर होता तो क्या होता, 180 डिग्री। विद द वर्टिकल कितना है, विद द वर्टिकल है 90 डिग्री। सिंपल बात है, करेक्ट। एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या बताना है, टेंशन द स्ट्रिंग। बच्चों टेंशन के लिए क्या करोगे, Fe जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको किसने बैलेंस किया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है किसने बैलेंस किया हुआ है, टेंशन ने। तो टेंशन इक्वल टू क्या लिखोगे, Fe, P इक्वल टू Fe, है ना। और यहाँ पे Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो Fe है क्या, एज T इज इक्वल टू Fe है, Fe क्या है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हर धागे की लंबाई कितनी है, L, इसकी भी कितनी है, L। तो आंसर क्या आ गया, 2L का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। दिस इज द टेंशन एंड एंगल विद द वर्टिकल इज 90, विद ईच अदर इज 180। सही है, माइक ऑफ रखें बच्चों अपने। ठीक, देखिए अब करते हैं थर्ड। थर्ड एंड लास्ट, इफ द टू बॉल्स सस्पेंडेड इन एयर इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल, यानी कि चार वर्स दिया गया था, एंगल थीटा वर्टिकल से बनाया हुआ था इन्होंने फर्स्ट पार्ट में, तो फिर बीच में उनको वैक्यूम में घुमाने ले गए, तो वहां की किस्सा पता चल गया। अब दूसरी बात क्या है, नाउ द होल सेटअप is whole setup of the two balls is taken inside a liquid
liquid of dielectric constant K. It is observed that angle with the vertical remain unchanged. What is the value of capital K? Take density of the liquid 800 gram per cc and density of the balls 1600 gram per cc. cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? दोनों डेंसिटी दे दी गई है, मतलब बॉल की डेंसिटी दे दी गई है और लिक्विड की डेंसिटी दी गई है, तो समझ में आया डेंसिटी का हमें क्या क्या लेना देना हो सकता है. तो अगेन गिव इट 1 मिनट फॉर इट, 2 मिनट्स यू कैन टेक इस क्वेश्चन का, 2 मिनट दे सकते हो. पर इसमें हिंट ये बच्चों कि जब कोई चीज लिक्विड में कभी जाती है, किसी भी लिक्विड में जाती है, आइदर इट इज विस्कस और नॉन विस्कस, वो लिक्विड हमेशा बॉडीज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसका नाम होता है अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स, या हिंदी में कहते हैं उत्प्लावन बल. तो अपथ्रस्ट जरूर लगता है. विस्कस फोर्स लगेगा नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है उसकी विस्कस लिक्विड है कि नॉन विस्कस लिक्विड, लेकिन अपथ्रस्ट चाहे विस्कस हो चाहे नॉन विस्कस वो जरूर लगता है. और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वी सिग्मा जी. वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये आपका हिंट है कि इट में भी कि आप कोई अपथ्रस्ट वाला कांसेप्ट इतने दिनों पुराना है वो भूल गए हो, तो हम बता देते हैं कि लिक्विड के अंदर जब भी कोई बॉडी जाएगी तो इट विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड एज अपथ्रस्ट वी सिग्मा जी, जहां सिग्मा क्या है उस लिक्विड की डेंसिटी, जी एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी और वी है वॉल्यूम. वॉल्यूम कौन सा? उस बॉडी का वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है. तो गिव इट अ ट्राई, आप इसमें 1.5 से 2 मिनट ट्राई कर सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. इसमें उस कंडीशन को ध्यान देना कि एंगल रिमेन सेम. थिंक व्हाई एंगल रिमेन सेम, एंगल सेम रहेगा क्यों, ये सोचने वाली बात है. ठीक है, ट्राई करो जरा.
जैसा हमने बताया बच्चों कि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो पहला तो कॉन्सेप्ट ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि अभी स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था, फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन कैपिटल के, याद है? स्टार्टिंग में हमने रिकैप जो किया था, हमने बोला था फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन कैपिटल के। तो व्हाट इज कैपिटल के? तो इसका कैपिटल के इज फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन एनी गिवन मीडियम। ये तो कह सकते हो, बोलो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में कैसे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर अपॉन के इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए गिवन मीडियम, ये हमें पता है, ठीक है? और फिर हमने डिस्कस किया था कि एयर अगर है तभी फोर्स मैक्सिमम होगा, कोई और मीडियम कर दोगे तो फोर्स पक्का ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा, इससे बातें करी थी ना। ओके, अब थोड़ा अपथ्रस्ट के बारे में बात करें तो अपथ्रस्ट बच्चों क्या होता है कि जैसे कोई चीज हमने धागे बांधी हुई है, ठीक है, और वो चीज टंगी हुई है जैसे mg, तो उस mg का वेट कहां लग रहा है? अपवर्ड कि डाउनवर्ड? अपवर्ड, ऑब्वियस सी बात है, mg अपवर्ड लग रहा है, क्या बोल दिया, डाउनवर्ड। अपथ्रस्ट का फोर्स एक्शन किधर है? अपवर्ड, अपथ्रस्ट नाम से है अपवर्ड, तो mg लग रहा है नीचे और अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर। तो ऐसे इमेजिन करो कि जैसे तुमने कोई कंधे में झोला टांगा हुआ है ना, वेटेड वजन है उसको झोले में टांग रखा है, अब झोले का वजन कंधे पे लग रहा है, ठीक है, अब कोई उसको झोले को थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो हमारे कंधे पे जो उसका वेट था, जो इफेक्टिव वेट था, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि सेम रहेगा? कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि mg के अगेंस्ट जो फोर्स लगा देगा तो हमें जो फील्ड वेट महसूस होगा वो mg से कम महसूस होगा, ठीक है? ये सब वही वाली बातें जो आप लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे कि why a bucket feels lighter inside the water in a well as compared to outside? जब बाल्टी पानी के अंदर होती है किसी कुएं में तो वहां चीजें हल्की क्यों महसूस होती हैं और बाहर भारी महसूस होती हैं? क्यों महसूस होती हैं हल्की? क्योंकि जब कोई चीज पानी में डूबी हुई है उसको आप उठाते हैं तो अपथ्रस्ट आपके उठाने में हेल्प कर रहा होता, तो वो चीज वहां पे आपको लाइटर महसूस होती है। हवा में आकर के mg लगता है केवल, अपथ्रस्ट लगता नहीं तो भारी महसूस होती है। तो बेसिक वाले छोटे क्लासेस के सवालों से जुड़ी बात है। तो जब वो दोनों बॉल्स किसी लिक्विड में पहुंची तो बताओ वहां पे लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल गया कि नहीं बदला? बदल गया ना। जब वो दोनों बॉल्स उस लिक्विड के अंदर पहुंची तो उनका इफेक्टिव वेट जो mg था, हवा में mg था, वो लिक्विड के अंदर बदल गया कि सेम है? भी बदल गई, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट। तो दोनों चीजें बदल गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बदला और इफेक्टिव वेट भी बदला, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो एंगल थीटा था विद द वर्टिकल वो नहीं बदला। तो ये एक बात जो है, ये इस क्वेश्चन का हिंट है, ये कि वो है आपको लीड कंडीशन कि इसको आप लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, वेरी फर्स्ट पार्ट को आप देख लीजिए एक बार तो आप समझ जाएंगे कि क्या बात हो रही है और वो किस तरह से कोरिलेटेड है। ध्यान से देखना था बच्चों, ठीक है? तो आपको इस तरह क्वेश्चंस में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी, इसका रेशियो किया वगैरह वगैरह, और उसके बाद हमको पता चला कि इनका जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है टेन थीटा बराबर Fe upon mg। बोलो ये याद है ना, ठीक? जब लिक्विड के अंदर गए तो Fe बदल गया कि सेम है? बदला। mg बदल गया कि सेम है? ये भी बदल गया, दोनों बदल गए ना, सही है, ठीक। तो अब अगर हम थर्ड पार्ट में आएंगे, थर्ड लास्ट पार्ट में बच्चों, तो हमें यहाँ मेहनत थोड़ी कम करनी है लेकिन जो पुराना कॉन्सेप्ट है अपथ्रस्ट वगैरह का उसे थोड़ा कोरिलेट करना है डेंसिटी वेंसिटी के साथ, ठीक? तो और देख लेते ठीक, इधर इनसाइड द लिक्विड, ठीक
tan theta dash बराबर FV dash upon MG dash in air क्या था? tan theta बराबर क्या था बच्चों? FV by MG. क्वेश्चन ने क्या कहा? As क्वेश्चन ने कहा tan theta dash, क्वेश्चन ने कहा theta dash equal to theta, इसका मतलब this equal to this, equal कर सकते हैं? क्या लिखेंगे? FP dash upon MG dash बराबर FP upon MG, सही है? FP कौन है बच्चों? FP है air का force और FP dash कौन है? Inside the liquid का force. और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि medium वाला force क्या होता है? FP by K पढ़ा था ना? F medium बराबर F air by K, ये होता है? बोलो. तो जहां FV डैश लिखा है बच्चों वहां क्या लिख सकते हो? FV बाय K लिख सकते हो कि नहीं? बोलो बोलो. ठीक. अच्छा MG डैश बच्चों क्या होता है? अगर हम अपथ्रस्ट MG में से अपथ्रस्ट घटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? इफेक्टिव वेट. क्या बन जाएगा? इफेक्टिव वेट इनसाइड द लिक्विड. लिक्विड के अंदर इफेक्टिव वेट कितना? MG डैश. तो अब देखो यहां पे ध्यान से इन दोनों चीजों को बस हमें रिप्लेस करना. जहां एफ पी डैश लिखा कहते हैं एफपी बाय के, जहां एम जी डैश लिखा कहते हैं एम जी माइनस अपथ्रस्ट. यूटी मतलब अपथ्रस्ट, यूटी मतलब अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या लिखा बच्चों? एफपी अपॉन एम जी. हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कैलकुलेट करने आए हैं? कैपिटल के. क्वेश्चन का पूछा डायरेक्टली कॉन्स्टेंट. तो एफपी और एफपी क्या हो गए? तो K को इधर ले जाओ, MG को इधर ले आओ. तो क्या दिखने लगा? कैपिटल K बराबर बोलो MG अपॉन MG माइनस अपथ्रस्ट. याद आएगा? K उधर चला जाएगा, MG ऊपर आ जाएगा. K उधर चला गया, MG ऊपर आ गया. MG अपॉन MG माइनस अपथ्रस्ट बराबर K, उसको ऐसे तो K बराबर MG अपॉन वही चीज आ गई. ठीक. अब फाइनल आंसर क्या है? What is upthrust? याद करो बच्चों, upthrust होता है V volume of the body inside liquid sigma into G. जहाँ sigma क्या है? Density of the liquid. Sigma क्या है? Density of the liquid. ठीक? Clear? अब बताओ. Density of any body, जैसे कह रहे ball की density rho है. Density of the ball. तो किसी भी बॉडी की डेंसिटी का फॉर्मूला का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो आप लिखेंगे डेंसिटी जगह पे मास अपॉन वॉल्यूम. तो m इज इक्वल टू क्या जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो देखो कहीं खोना मत, किसी क्लास में खो मत जाना. बहुत बेसिक दो बातें लिखी हमने. फिर से शुरू से समझो. लिक्विड में एंगल क्या हो गया? tan थीटा डैश FV डैश अपॉन MG डैश. एयर में क्या था? tan थीटा FV अपॉन MG था. क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा है कि ये दोनों एंगल सेम, यानी कि दिस FV ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है. इतना लिखने के बाद हमने फिर अपना दिमाग लगाया कि क्या क्या हमको पता है. तो हमें दोनों के बारे में पता है कि इनसाइड द लिक्विड जो फोर्स होता है वो फोर्स इन एयर अपॉन K होता है, ये ऑलरेडी हमें पता है. तो जहां FV डैश लिखा हुआ लिखते हमने FV बाय K विदाउट एनी प्रॉब्लम. जो लिक्विड के अंदर वेट है, इफेक्टिव वेट इनसाइड द लिक्विड, वो क्या है? वो एक्चुअल वेट से थोड़ा सा कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि MG माइनस अपथ्रस्ट हो जाता है. तो जहां MG डैश लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं हम? MG माइनस अपथ्रस्ट, वो लिख दिया. ठीक. लिखने के बाद हमने देखा FV FV तो कैंसिल हो गए. फिर क्वेश्चन ने पूछा क्या है? कैपिटल K. तो कैपिटल K को उधर लेके और इसको जो लिखा था ऐसे लिख दिया. अब फाइनली हम क्या लिखने जा रहे हैं? लिखने जा रहे हैं MG अपॉन MG माइनस V सिग्मा G. ठीक है. अब जहां जहां बॉल्स का मास लिखा हुआ बच्चों, तो आपको मालूम है कि डेंसिटी ऑफ ऑफ द बॉल क्या लिखोगे? मास अपॉन वॉल्यूम. ये तो लिखोगे मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या लिखोगे? वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई कर दो, रो इनटू वी. तो एज अ रिजल्ट वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन कि क्या लिखेंगे? कैपिटल के बराबर जहां एम लिखा हुआ लिखेंगे रो वी जी अपॉन, फिर से मास लिखा है रो वी और जी पहले से लिखा है, माइनस वी सिग्मा जी.
तो ऊपर से देखो रो वी, ऊपर से वीजी वीजी कॉमन निकाल के कैंसिल कर, क्या आएगा बोलो, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ठीक है ना। ये बन गया एक तरह का जनरल फॉर्मूला कि आगे कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो बस आप क्या याद रखें कि बॉल की डेंसिटी क्या है और लिक्विड की डेंसिटी क्या है। अगर एंगल सेम वाली कंडीशन को आती है कि एंगल सेम है तो बस आप याद रखें रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। और अब हमें यहाँ क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई पुट कर देनी चाहिए, तो के का आंसर आ जाएगा। बोलो रो कितना दिया गया है 1600, सिग्मा कितना दिया है, तो लिखा ऊपर 1600 अपॉन 60 माइनस 800 क्या बचेगा 800, ठीक या 100 लिखना चाहो लिख लो, बात तो की है। व्हाट इज द आंसर, और याद रखो कैपिटल के को यूनिट नहीं थी, सो द आंसर इज 2, ठीक। ये क्वेश्चन बच्चों आया था जब आईआईटी का एग्जाम अलग होता था, रुड़की यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग होता था इंजीनियरिंग का, तो उस समय का क्वेश्चन है रुड़की इंजीनियरिंग का। एमजी मैथ सबसे अभी क्या बताया हमने, तुम्हारे कंधे पे वेट लग रहा है 20 न्यूटन का लग रहा है, अब कोई नीचे से ऊपर फोर्स लगा दे 2 न्यूटन का, हेल्प कर दे तुम्हें 2 न्यूटन का, तुम्हें कितना महसूस होगा, कितना महसूस होगा, 18 न्यूटन का वैल्यू, इसलिए तो दे रहे हैं, बोलो तुम कर तो कथा सुन लो, तो 20 न्यूटन नीचे लग रहा है और 2 न्यूटन ऊपर लग रहा है, कितना महसूस होगा, 18, कितना 18 न्यूटन का। और अगर 20 न्यूटन नीचे लग रहा है ऊपर कोई 8 न्यूटन लगा दे कितना महसूस होगा, 12 न्यूटन का। और मान लो तुम्हारा 20 न्यूटन का वजन था कंधे पे, कोई 20 न्यूटन का वेट लगा दे ऊपर फोर्स लगा दे कितना महसूस होगा, 0। तो उस कंडीशन कहते थे वेटलेसनेस कंडीशन, क्लियर हुआ। इसलिए हमने क्या लिखा, इफेक्टिव वेट mg डैश बराबर mg माइनस अप थ्रस्ट, ठीक है। आपसे फॉर्मूला क्या है, v सिग्मा g, ये पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के उसके बाद बताएंगे तो उसमें फिर आएगा। तो रो अपॉन रो माइनस सिग्मा वैल्यूज पुट कर दो आंसर आएगा, ठीक है। तो तीनों पार्ट से काफी कुछ सीखने को मिला, और सेंटर लाइन बात क्या चल रही है बच्चों, f बराबर k q1 q2 by r स्क्वायर, रिपल्सिव और इट मे बी अट्रैक्टिव, लेकिन फोर्स रहता उतना ही, ठीक है, अदर कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ओके लिखो, देख लो सॉल्यूशन लिख लो, फटाफट लिखना प्रोति जी से। लिख लें दो लाइन, अब देखो क्वेश्चंस कुछ और इसके अंदर है, छोटे छोटे से हैं, लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट और इकट्ठे कर लें, थोड़ा मसाला और इकट्ठा कर लें, फिर और स्पेसिफिक चीजें बनेंगी, है ना, मसाले कम होगा तो कम होता है। अभी देख एक ही चीज थी क्या था, के क्यों बटो वायरस था, ठीक, अब और चीजें ले लो,
ठीक चलो एंड डाल दो हेड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल. अभी हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर रहे थे. तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से काफी सिमिलर रहता है. बस वहां पे बोलते थे कि पूरा स्टेटमेंट बोले तो क्या बोलते थे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी, ना मिटती है ना बनती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती रहती है. इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते थे लोअर क्लासेस में कि जब आप हाथ को रब कर रहे हैं तो आपकी जो वर्कडन है वो एनर्जी कहाँ जा रही है, कहते हैं हीट और साउंड में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, ऐसे ही पंखे में कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, फिर वो विंड एनर्जी में चली गई. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पढ़ते थे कि फिर इसका कन्वर्जन, तो वो बहुत हमने पढ़ा है लोअर क्लास में थ्योरेटिकल. सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल का कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर. ठीक है, लिख लो. शॉर्ट में सीओ सीपी भी कह सकते चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन only be transferred from one body to other. यानी कि चार्ज ना बना सकते ना मिटा सकते, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में बोला जाए, in other words, what you can say कि total charge ना मिटा ना बना, इसका मतलब कहीं से कोई एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं हुआ, टोटल जितना था उतना ही हुआ, इधर से उधर ट्रांसफर होता रहा. टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट और यू कैन से कंजर्व. टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट और कंजर्व. तो इसी बेसिस पे अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ दिस होल यूनिवर्स, ठीक, इस पूरे यूनिवर्स के चार्ज का नेचर कैसा है बच्चों, तो ऑप्शन दे रहा है कि इस पूरे यूनिवर्स का चार्ज है पॉजिटिव इन नेचर, दूसरा कह रहा है नेगेटिव इन नेचर, तीसरा कह रहा है जीरो चार्ज है यूनिवर्स पे, चौथा कह रहा है नन या कैन नॉट बी डिसाइडेड. इतने बड़े यूनिवर्स को कैसे डिसाइड करें, कैन नॉट बी डिसाइडेड. तो पहले तुम स्टेटमेंट बता लीजिए कि नहीं, तुम लिखने में कहीं बड़े स्लो चल रहे हैं, लिखो पहले. Charge can neither be created nor be destroyed, but it can only be transferred from one body to other. Or total charge of a system remains constant or conserved. This is called as law of conservation of charge principle. Okay, example hai ki what is the nature of चार्ज ऑफ दिस होल यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स के
चार्ज का नेचर क्या है? तो ए ऑप्शन है पॉजिटिव, बी ऑप्शन नेगेटिव, सी ऑप्शन है जीरो, चौथा कह रहा है कैन नॉट बी डिसाइडेड या कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्या टिक करके आओगे? जीरो टिक करके कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। दो जो दो जवाब है, क्यों कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बेटा? इसका चार्ज कोई डिसाइड नहीं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हमने बैंक खोली थी, बैंक थी हमारी, शुरू करी से बिल्डिंग बना के बैठ गए, ठीक है, कोई पैसा नहीं था, जीरो पैसे थे। कुछ लोगों ने पैसे जमा करे, कुछ लोगों ने लोन ले लिया, उनको दे दिए, फिर कोई देते रहे कोई लेते रहे, तो बैंक में पैसा रहता है, उनका खुद का पैसा कितना है? जो कुछ था ही नहीं, जब चार्ज कहीं बना ही नहीं, सिर्फ ट्रांसफर हुआ इधर से उधर, उधर से उधर, आज किसी ने चार्ज, किसी पे चार्ज है प्लस तो उसने किसी को चार्ज दे रखा है, किसी पे चार्ज है माइनस, उसने किसी चार्ज ले रखा है, सारे चार्ज जोड़ दो, सबका हिसाब किताब फाइनल करो, आंसर क्या आएगा? जीरो। जब कोई लिया दिया हुआ ही नहीं तो पूरे यूनिवर्स का चार्ज कितना होगा? जीरो। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड की कोई बात ही नहीं, जब तुमने कुछ शुरुआत का और एंड बता दिया कि शुरू में सब कुछ जीरो था और बाद में सब जोड़ो तो भी जीरो ही आएगा, तो जाहिर सी बात है कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ दिस होल यूनिवर्स, पूरा चार्ज की बात कर रहा है, तो क्या आंसर आएगा? जीरो। क्लियर हुआ? मतलब प्लस की और माइनस की, मतलब कुछ भी चार्ज है तो उसका, अगर किसी बॉडी प्लस चार्ज, इसका क्या मतलब होता है? उसका लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? प्लस का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे दिया तो प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव हो गया, भैया उसका तुम वापस कर दो, उसने वापस कर दिया, उसने उसको मिल गया तो क्या हो गया? कहानी खत्म, जीरो हो गया। तो अगर किसी का प्लस चार्ज है, किसी का माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है उसने किसी को चार्ज दे रखा है, माइनस उसने किसी को चार्ज ले रखा है, सबको जोड़ दो, अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा? जीरो। लौट घूम के कहानी फिर वही वापस आ गई, जीरो से जीरो तक, कयामत से कयामत तक। बात समझ में आई? नथिंग वॉज इन द बिगनिंग, व्हाट विल बी एट द एंड? नथिंग, जीरो से जीरो ही कहानी। क्लियर है? ओके okay. अब देखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो कंजर्वेशन चार्ज के एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे खत्म नहीं होंगे, ठीक है? तो एप्लीकेशन भी थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पर, वो समझेंगे, और फिर कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन और है वो करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल एंड डाइपोल, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर इन सबका कॉन्सेप्ट यूज होता है, और थोड़े से नए टर्म्स भी बढ़ जाते हैं, डायपोल भी आ जाता है, थोड़े मैकेनिक्स का लेवल और बढ़ जाता है, वो हम तुम्हें बताते जाएंगे बीच में, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लिख करके लॉग आउट कर लेना। थर्सडे को जिन बच्चों के पास लिंक है वो इसमें जूम की तरह नहीं बच्चों की, आप आए तो आप जब भी आए, वीजा ऑन अराइवल नहीं है यहाँ पर, कि आप आते ही आपको एंट्री मिल जाएगी, आप पहले ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजें, उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे, तब आपको जब क्लास टच करेंगे आपकी एंट्री होगी। जब क्लास चल रहा है उस समय आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हम तो पढ़ा रहे होंगे, तो फिर उस समय एंट्री नहीं हो पाती, ठीक है? अप्रूव अगर हो गया आपका तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप कभी भेज दीजिए, दिन रात कभी भेज दीजिए, वो हम अप्रूवल कर देंगे, उसके बाद आप क्लास में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। अरे ग्रुप में डाल दी भाई, चलो भेज देंगे अभी, ठीक है? तो पहले से आप पूरी अप्रूवल लेकर के क्लास में ज्वाइन रहें, क्योंकि बाद में क्लास चलते समय जूम में तो ऐसा होता था आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें दो चीज इसी वजह से इसको यूज कर रहे हैं, एक तो बॉक्स नहीं आता बीच में बार बार, याद है सर बॉक्स, सर बॉक्स, और प्लस कंटिन्यूस चलता रहता है, कोई ब्रेकेज नहीं होता, ठीक? रिकॉर्डिंग वीडियो भी डाल देते हैं, पुराना नया,